रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। न्यूज स्पेशल में हमारा सरोकार होता है उन खबरों से जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं और समाज में एक बेहतर संदेश देती हैं। ऐसी ही एक खबर है डिंडोरी जिले से, जहां ग्रामीणों ने जब किसी ने नहीं सुनी तो खुद ही अपनी समस्या का निराकरण कर लिया। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जब सरकार ना सुने, प्रशासन ध्यान ना दे, तब समस्याओं के निदान के लिए खुद ही रास्ता बनाया तो ही बेहतर है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ करके दिखाया है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायत सिमरिया के लोगों ने। सालों से एक अदद सड़क की दरकार को लेकर हर उस चौखट का दरवाजा खटखटाने के बाद जहाँ उम्मीद की किरण नजर आती थी, निराश होकर यहाँ के ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का फैसला कर लिया। थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है यहाँ सिमरिया से तिरहतपुर की सड़क सालों से खस्ता हाल थी, जिस पर पैदल चलना भी दूभर था। बारिश के दिनों में ये सड़क खतरों से जूझने से कम नहीं थी। क्या सरकार, क्या प्रशासन और क्या सरपंच सचिव सबसे गुहार लगाने के बाद भी हालात यहाँ के नहीं सुधरे। ग्रामीणों ने तय किया और चंदा करके सड़क का निर्माण अब शुरू कर दिया है, जिसके बाद यहाँ आवागमन अब सुगम हो जाएगा। लेकिन ये उन जिम्मेदारों को मुँह चढ़ाने से भी कम नहीं है जो जन समस्याओं की अनदेखी करके महज स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। सर, यहाँ से देख रहे होंगे पानी यानी सब भरा है, आने जाने में दिक्कत है, मरीज लोगों को भी दिक्कत है। अभी एक महिला गर्भवती थी तो एम्बुलेंस आया था तो लौट के चली गई कि रोड खराब है करके, फिर उसको प्रसव घर ही में करवाए। अब इसमें कुछ हो जाता तो फिर कोई कौन जिम्मेदार होता। अभी सारी समस्या सरपंच सचिव बोलते हैं तो कहते हैं हम डलवा देंगे, ध्यान ही नहीं देता कोई। और अब चंदा करके इकट्ठा, अब सोच रहे हैं कि इसको बनवाएं करके, तो कुछ आज करे हैं, फिर अभी ट्रैक्टर बुलवाएं तो मुँह डलवाएंगे। सड़क अब कीचड़ भरी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। शिकायत तो किए हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बरसात के बाद बनाएंगे बोल रहे हैं, तो जब से बसी है तब से नहीं बनी है। ग्रामीणों के द्वारा कोई काम नहीं कराया गया, पंचायत द्वारा 25 साल में और दो ठकुरिया लगवा के आवागमन व्यवस्था विधिवत बनवाया गया। उसके बाद लोगों के द्वारा खुद ही आप मिट्टी ठोक के रोड में डालते हैं, काम बिगड़ता है वहाँ पर, और कोई बात नहीं। और आगे तकनीकी स्वीकृति अगर प्राप्त हो जाती है तो अपन ग्रेवल रोड उसमें बनवा सकते हैं, पर स्वीकृति मिल जाए उसके बाद ही आगे काम कराएंगे। आप खुद ही देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं इस गांव के। लोग किस तरह से इस कच्ची सड़क से निकल पा रहे हैं, वाहन चलाना कितना दूभर है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब ये सड़क जो दिख रही है ये जल्द ही बन जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ही चंदा करके अब इस सड़क को बनाने का फैसला कर लिया है। काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मोटरसाइकिल पर सामान ला रहे हैं और सड़क के निर्माण के लिए चंदे से राशि जुटाई जा रही है। बरसात के इस मौसम में किस तरह से यहाँ हालात मुश्किल हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। एक तरह से बारिश में ये गांव जो है जिला मुख्यालय से कट सा जाता है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों के लिए जो दरकार लोगों को होती है उसके लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन ये सड़क जो है एक मुसीबत बनकर उनके सामने है। ख़ास तौर से दिक्कत होती है उन मरीजों को, यदि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, या एम्बुलेंस भी बुलाई जाए तो वो किस तरह से गांव तक पहुंचे। ये बड़ी समस्या है और ख़ास तौर से बारिश के दिनों में ये समस्या विकराल हो जाती है। जिम्मेदारों से कई बार बोला, ग्रामीणों ने गुहार लगाई, जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब थोड़ा थोड़ा चंदा करके धीरे धीरे अब ये लोग सड़क बना रहे हैं ताकि बारिश के इस मौसम में आवागमन जो है वहाँ पर सुचारू रहे, लोगों का आना जाना बना रहे, और किसी मुसीबत में कोई ऐसी घड़ी आ जाती है तो ये रोड बाधा ना बने। लेकिन अभी भी जो सरपंच सचिव हैं या ग्राम पंचायत के जिम्मेदार हैं, अभी भी उनकी आंखें खुली नहीं हैं। ग्रामीणों को खुद आगे आता देखकर भी वो जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे कि
ग्रामीण जब आगे आ गए हैं तो वो भी अपनी तरफ से कुछ मदद करें। जनप्रतिनिधियों को सुध ही नहीं है, यह हाल सिर्फ सिमरिया का नहीं है, आसपास के दूरस्थ अंचलों में बसे गांवों के हालात कमोबेश यही हैं। लेकिन सिमरिया के लोग अब हिम्मत दिखा रहे हैं और इस सड़क को बनाने का बीड़ा उन्होंने अब उठा लिया है। भोला राठौर हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे वो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। भोला जी, क्या वजह थी कि ये सड़क आज तक नहीं बन पाई और अब आप लोग चंदा करके सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, तो कितना क्या कुछ चंदा हो गया है और कब तक आपको उम्मीद है कि आप लोग ये सब काम पूरा कर लेंगे? सर जी, हम लोग जो है पूरे जितना गांव के युवा लोग हैं जी, 25-50 जितने लोग हैं, तो सभी लोग चंदा इकट्ठे करके और वहां पर सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं जी जी। और वहाँ कितनी बदहाल स्थिति है मैं आपको बताऊं कि फोर व्हीलर ना तो टू व्हीलर किसी प्रकार के भी वाहन वहाँ से आ जा नहीं सकता जी। हम लोग जो है गांव के लोग बहुत शिकायत किए, कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर साहब से निवेदन किए, आवेदन दिए, जनपद में सीओ मैडम के पास दिए जी, किंतु आज तक सुनवाई नहीं हुई हमारे गाँव के विकास के बारे में। इसके बाद हमने पंचायत में भी मतलब पंचायत स्तर से भी आवाज उठाई जी, लेकिन पंचायत से भी किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं किया गया। क्या उनका जी, भोला जी, हम पूछना चाहेंगे क्या तर्क क्या रहता है उनका, क्या कहते हैं वो कि क्यों वो सड़क बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे जी? उनका कहना है सर कि मतलब ये जो तिरहुतपुर गांव है जी, हमारे पंचायत में नहीं है, वहां से हमको वोट नहीं मिलता, इसलिए हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे गांव के लोग यहां से आना जाना नहीं करती, इसलिए वहां मतलब मरम्मत करने से वो लोग पीछे हटते हैं। यहां के विधायक, स्थानीय विधायक क्या कहते हैं? वोट मांगने तो आते होंगे जब चुनाव आते हैं। जी जी बिल्कुल आते हैं सर, लेकिन क्या है जब समस्या गांव वाले रखते हैं तो उनकी समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कितनी आबादी है इस पूरे गांव की, सिमरिया और तिरहुतपुर मिला दिया जाए तो? तिरहुतपुर और सिमरिया मिलाकर वही 6-7 हजार लोगों की आबादी है सर वहाँ। क्या क्या कुछ दुश्वारी आप लोगों के सामने आती है भोला जी? जी किस किस्म की मुश्किलें आप लोगों के सामने आती है इस खस्ता हाल सड़क के चलते? जी सर जी, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे हम 108 को एम्बुलेंस को फोन करते हैं, जैसे तो सिमरिया तक वाहन आते हैं तो उनको पलंग के माध्यम से या तो फिर और अन्य व्यवस्था से ही उनको मतलब तिरहुतपुर से जो है सिमरिया तक लेके आना पड़ता है। इसके बाद ही जी, इसके चलते एक दो बार ऐसी घटना भी हो चुकी है, वाहन समय पर न पहुँचने में उनकी मौत भी हो गई। जी जी भोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला है, कांग्रेस नेता है, ये हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। वीरेन जी, बड़ी बुरी दुर्दशा है सिमरिया से तिरहतपुर गांव के बीच का जो रास्ता है, हमने तस्वीरों में देखा, और आप लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से यहां की जनता जो है परेशान हो रही है। आप जनप्रतिनिधि हैं और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का, लेकिन क्या वजह है कि अनदेखी हो रही है ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति? जी देखिए भाई साहब, क्या है कि पिछले 15 सालों से जी जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी, उन लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जो समय मिला जी, वो सारे समय पर जो मतलब कार्य अधूरे थे उसको करने का पूरा प्रयास किया गया जी। और आपने जो ये सिमरिया तिरहतपुर का जो मामला संज्ञान में लाया है जी, तो ये मान के चलिए कि हम इसको माननीय विधायक जी के माध्यम से और हम जिला पंचायत के माध्यम, क्योंकि जिला पंचायत में भी काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठे हुए हैं, और जब ये मनरेगा के भी काम चल रहे हैं, IAP के भी काम, देखिए जी वीरेन जी, एक बात होती है, जब राजनीति होती है तो विचारधारा की लड़ाई की बात की जाती है, विचारधारा पर जो है राजनीति करना ठीक भी है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर किसी किस्म की राजनीति ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि 15 साल में बीजेपी की शासन में कुछ नहीं हुआ, 15 महीने आपकी सरकार रही, आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, और अभी भी आप कह रहे हैं कि जो जिला पंचायत है वहां भी बीजेपी के लोग हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों को तो उठाया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। बिल्कुल जी, मैंने कहा ना, आपने ये मामला मेरे संज्ञान में लाया है और जानकारी भी हम लोग को लगी है सिमरिया तिरहतपुर वाले मामले पे, तो ये मात्र मान के चलिए कि हम इसमें बहुत जल्दी हम कार्रवाई कराकर वहाँ पे सड़क का निर्माण कराएंगे, और हमारा कोई भी ग्रामीण वीरेन जी हमारे जब अब एक बात आपको जानकारी दे दूं मैं, कि जब तक आप दबाव बनाएंगे और सड़क का निर्माण कार्य करवाने के लिए जो भी कार्रवाई आप करेंगे, लेकिन उसके पहले ही यहाँ के लोगों ने
इन तमाम चीजों से तंग आके भरोसों जो भरोसा उनको दिलाया जाता था उससे तंग आकर अब खुद ही सड़क बनाने का फैसला कर लिया है, चंदा भी कर लिया है और अब धीरे धीरे वो सड़क बना रहे हैं ताकि हमें अब किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। अब क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, ये बात तो मैंने भी सुना था कि ऐसा उन्होंने किया है। ये तो मतलब बढ़िया दुर्भाग्य की बात है कि मतलब जब कांग्रेस ने हमारे आईएपी की योजना चालू की थी, कांग्रेस ने बीआरजीएफ की योजना चालू की थी, कांग्रेस ने मनरेगा की योजना चालू की थी, ये सारी योजनाओं में लगातार क्षेत्र को पैसा हमारे केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मिलता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्होंने बीआरजीएफ बंद कर दिया, भाजपा ने आईएपी बंद कर दिया भाजपा ने, जो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने वाली जो महत्वपूर्ण योजना थी वो केंद्र सरकार ने बंद कर रखा, जिनमें साधन संसाधनों पर कार्य यहाँ पर कराने का जो प्रयास अब किया जा रहा है। और मैं आश्वासन आपको दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही शीघ्र उस सड़क का निर्माण कराने का प्रयास प्रशासन के माध्यम से करूंगा और किसी ग्रामीण का पैसा अपने पास का न लगे, क्योंकि अभी कोरोना का समय है, वैसे ही लोग आर्थिक रूप से तंग है। और प्रशासन के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा जो सिमरिया तिरुपुर मामला है बहुत शीघ्र उसका निर्माण कराया जाए। और वीरेन जी एक बात तो आप मानेंगे, यदि ऐसे हालात बन जाए कि जनता खुद ही हाथ में फावड़ा और कुदाली लेके अपनी समस्याओं का निदान करने निकल जाए, और आप खुद भी देख रहे हैं कि ऐसा कठिन दौर चल रहा है, जब कोरोना काल चल रहा है पूरे देश में, कोरोना की वजह से हालात बड़े ही विषम बने हुए हैं, लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, उस बीच लोग अपनी जमा पूंजी निकाल कर किसी तरह से सड़क का निर्माण करा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है उन जिम्मेदारों के लिए जिनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़े से प्रयास यदि वो करें तो ये समस्या का निदान दो चार दिन में ही हो सकता है, कोई बहुत बड़ी सड़क नहीं है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है ये। वीरेन जी क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि मतलब कि हमारे यहाँ पर जो भी चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो, केवल ये आंकड़ों की बाजीगिरी बस करना जानते हैं, जनहित के मुद्दों से कोई सीधा सा लेना देना नहीं, शाहरुख खान नहीं है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों पर आदिवासी क्षेत्रों पर जो विकास की बात जो योजनाएं चलाई जा रही थी वो सारी योजनाओं को लगभग बंद कर रखा है। और जो यदि आईएपी चालू होती है, बीआरजीएफ चालू होती तो निश्चित ये सड़क में के लिए हमारे गांव वासियों को अपने पास का पैसा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब जो हमारे महत्वपूर्ण जो योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर पत्रकार करा रहे थे उनका सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। अब वीरेन जी देखिए एक बात है, दूसरे दल पर आरोप लगाना और ये तमाम बातें करना ये तो एक राजनीति का हिस्सा भी है और आप भी एक कांग्रेस नेता है तो लिहाजा आप जी, लेकिन अब ये है कुल जमा बात जन समस्या की है, लोगों की परेशानी की है और जैसा आपने कहा कि हम जी हमारी जो जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो अब वो जो क्या था क्या नहीं था वीरेन जी उससे यहाँ के लोगों को लेना देना नहीं है। आज वो दिक्कत में है, आज वहाँ की गर्भवती माताएं जो हैं वो यदि उनको डिलीवरी के लिए जाना हो तो कैसे जाए। जी मेरे क्या रहता है कि जब योजनाएं काम कर रही थी मैदानी क्षेत्र पर, इस योजनाओं को बंद करने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या आवश्यकता पड़ गई थी और उसमें राशि बहाना चाहिए था तो योजना को बंद किया। ये तो अच्छा कुल जमा वो बातें तो अब ऐसी हो गई कि आपसे आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता से हम बात करेंगे तो वो अपने तर्क रखेंगे, तर्क और कुतर्क से समस्या का समाधान नहीं होने वाला वीरेन जी, समस्या का समाधान होगा तब जब आप इन ग्रामीणों के साथ जो भुक्तभोगी हैं उनके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे तब काम होगा, बात राजनीतिक उस राजनीति की नहीं है, राजनीतिक विद्वेष की नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा तभी जाके जो है हम जनता को बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उनमें सफल होंगे। हमारे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारे ग्राम वासियों को पास का पैसा ना लगाना पड़े, सरकार पैसे दे रही है, जब सरकार पैसे दे रही है तो प्रशासन को वहाँ पर खर्च करने में क्या दिक्कत आ रही है। शर्म की बात है, ये सही बात है जनप्रतिनिधियों के लिए। जी सड़क के लिए मैं प्रदर्शन करूंगा बिल्कुल वीरेन जी, हम चाहते भी यही हैं कि आप कोशिशें करें, बात किस दल से आप हैं किस दल से नहीं ये मायने नहीं रखता, बात ये मायने रखती है कि जब आप वहां के लोगों का नेतृत्व करते हैं, आप उनकी अगुवाई करते हैं तो उनके मुद्दों को आप प्रमुखता से उठाएं, उनके साथ खड़े रहें, उनको संबल प्रदान करें तभी जाकर चीजें बदलेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर हालात बदलेंगे। वीरेन जी अब बीड़ा तो उन्होंने उठाया है, आप लोग भी सहयोग कर दें तो जो जो चीज उनको दुश्वारियां हो रही हैं आ रही हैं उनको मुश्किलें आ रही हैं वो ना आ पाए। आपने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा के उसको मतलब शासन प्रशासन के सामने भी लाया है
और हम इसमें पूरा समर्थन करेंगे आपका और उसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे, जिला प्रशासन से भी बात करेंगे और ग्रामवासियों को कोई असुविधा ना हो, उनके पास के पैसे ना लगे और शासन जो भी योजना लगा रहा है, चालू कर रहा है, तो उसके ईमानदारी से वहां का जयभर उपाय हो और लोगों को लाभ मिले, उसके लिए हमको प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल भी करेंगे, हम भी उम्मीद करेंगे कि आपने आपने जो कहा है वो निश्चित तौर पर आप उस वचन को निभाएंगे और जल्द ही ये समस्या का समाधान जैसा खुद ही निकाल लिया है हालांकि ग्रामीणों ने, लेकिन आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जनप्रतिनिधि भी खड़े हो जाएं, वो भी सहयोग करें तो उनकी दुश्वारियां कम हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमसे चर्चा के लिए। दीपक नामदेव हमारे संवाददाता डिंडोरी के, वो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, जो मूल समस्या है सड़क, हर साल बारिश में हालात जो हैं यहाँ के बड़े कठिन हो जाते हैं, इस सड़क को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना दूभर है इस सड़क पर, तो वाहन किस तरह से चलेंगे हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन अब लोगों ने सड़क बनाने का काम जो है खुद अपने हाथ में ले लिया है, चंदा कर रहे हैं लोग और धीरे धीरे सड़क को बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस नेता हैं वीरेंद्र बिहारी शुक्ल, उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने साफ कहा कि 15 साल का जो शासन काल था भाजपा का उसमें कोई काम हुआ नहीं, 15 महीने का हमें वक्त मिला तो उसमें हम नहीं कर पाए। अब वो भी कह एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने वाली बात है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि ये जनप्रतिनिधि जो अगुवाई करते हैं उस इलाके की, यदि वो भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हो जाएं तो ये मुश्किल और भी जल्दी जो है टल जाएगी और ये रास्ता बहुत बेहतर बन जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकारें कोई भी रही हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, कारण यही है जिसकी वजह से आज ग्रामीणों को जो है खुद सड़क निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा और कार्य कर रहे हैं। नामदेव जी एक बात बताइए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस इलाके में लोग चंद मांगने आ जाते हैं वोट, और वोट हर साल दिए जाते हैं और यहाँ की जनता के वोटों से वो सत्ता के सिंहासन तक पहुँचते हैं, सत्ता में पहुँचते हैं, और उसके बावजूद भी जब मुसीबत की घड़ी आती है तो वो साथ खड़े कहीं दिखाई नहीं देते, ये क्या वजह है? क्या कभी ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की जनप्रतिनिधियों से? क्या उन्हें आभास दिलाया कि उनकी लापरवाही हम लोगों के लिए किस तरह से जो है जान की दुश्मन तक बन सकती है उनकी? जी जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से देखने में आया है अभी तक तो जो नेता हैं वो वोट लेने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तब वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा समय आता है कि ग्रामीणों को खुद जो है चंदा करके तो कभी अपनी अपनी मेहनत को देकर अपने कार्य को करना पड़ता है। और अब ये ग्रामीणों ने चंदा किया है, कब तक ये सड़क वो लोग बनाने का वो रखते हैं कि कब तक ये सड़क बना लेंगे, और क्या जो ग्रामीणों के इस कदम के बाद नींद खुली, कुंभकर्णी नींद से जागे हैं, यहाँ के जिम्मेदार सरपंच सचिव हों या सरपंच हों यहाँ के, जी ग्राम पंचायत के? जब ग्राम पंचायत के सचिव से हमारी बात हुई तो ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया कि जो उनपे आरोप लगे हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने उनपे आरोप भी लगाए हैं कि रोड की सुदृढ़ीकरण के लिए कहीं ना कहीं जो सचिव और सरपंच हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जिसकी वजह से रोड नहीं बन पाई है। तो जब हमारी बात सचिव से हुई तो सचिव ने बताया कि उन्होंने 25 ट्रॉली जो है मुरुम जो है वहाँ पे डलवाई है। जी कि 25 ट्रॉली मुरम डलवाने से नहीं होता, रोड बनाने की पूरी प्रक्रिया होती तरीके से रोड बनाई जाती है। जी लेकिन देखने से तो ये नहीं लगता कि 25 ट्रॉली रेत वहाँ पे जो मुरम है बिल्कुल भी नहीं दिखता। और ग्रामीण अब जो कितना कुछ चंदा इन्होंने इकट्ठा किया है और कितनी लागत इस सड़क की आ रही है कुल सड़क बनाने में? जी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो युवा है जो जी वो थोड़ा थोड़ा चंदा करके थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं ताकि वो मतलब जो अभी मूलभूत जो भी उनको उसको सड़क को काम चलाने लायक बनाने जी जी मूल लायक ही चंदा हो पाया। जाहिर सी बात है जिस कोरोना काल में लोगों के पास रोजी रोजगार ना हो, आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हो, उसके बावजूद भी यदि वो चंदा इकट्ठा करके इस सड़क को इस लायक बना रहे हैं कि वो बरसात में आना जाना थोड़ा बहुत भी सुलभ हो सके, लेकिन ये शर्म की बात है उन जिम्मेदारों के लिए
जो जनता के कल्याण की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो पीठ दिखा देते हैं उसी जनता को। लेकिन यहाँ के युवाओं का जोश और ग्रामीणों का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है निश्चित तौर पर, और हम उम्मीद करेंगे कि इन ग्रामीणों को देखकर, उनसे सबक लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उनके साथ इस काम में जुटें ताकि एक बेहतर सड़क का निर्माण हो और हमेशा के लिए समस्या से इन ग्रामीणों को मुक्ति मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।